الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل کی آیت نمبر 28 29 और 30 की तिलावत आपके सामने की गई. आयत नंबर 28 का तर्जमा ये है, और अगर कभी तुमको अपने परवरदिगार की तरफ से रोज़ी के इंतज़ार में जिसकी तुमको उम्मीद है उनसे पहलू तही करनी पड़े तो उनसे नरम बात कह दिया करो. इससे पहले हम ये बात जान चुके हैं कि यहाँ 12 अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बयान फरमा रहे हैं जिन पर अमल करके आदमी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है. इसमें पहला हुक्म था तौहीद का, दूसरा हुक्म था माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का, उनके हुकूक अदा करने का, तीसरा हुक्म था रिश्तेदारों को और हक वालों को उनका हक देने का, जिनमें मुसाफिर भी शामिल हैं मिस्कीन भी शामिल हैं, और चौथा हुक्म था कि फजूल खर्ची न करें. अब यहाँ जो हकदारों को उनका हक देने की बात कही गई, उसमें कभी ऐसा होता है कि आदमी तो चाहता है कि उनको मैं दूँ, लेकिन फिलहाल उसके पास देने के वास्ते कोई चीज़ होती नहीं है. उम्मीद होती है कि फलां कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका जो नफ़ा मिलेगा जैसे ही आएगा मैं इंशाल्लाह उनको दूंगा, या फलां को कर्ज के तौर पर दिए हैं जैसे ही वो वापस देगा मैं इनको दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जेब में कुछ होता नहीं. ऐसे वक्त में वो रिश्तेदार और हक वाले तकाजा करें. मिसाल के तौर पर माँ बाप वो कहते हैं कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उस वक्त हम कैसे जवाब देंगे? कुरान ये भी हमें सिखा रहा है कि उस वक्त उनको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है. अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फकुल लहुम कौलम मैसूरा, उनसे नरम बात कह दिया करो, यानी नरमी के साथ उज्र बयान कर दो कि फिलहाल मेरे पास इंतज़ाम नहीं है, जैसे ही कोई इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह मैं आपको दूंगा. इस तरीके से नरमी से उनसे बात करो. ऐसा ना हो जैसे कि वो लोग जवाब देते हैं जिनके पास पैसे वगैरह मौजूद होता है, मालदार होते हैं, सहूलत होती है, उसके बावजूद मांगने वालों को झिड़क कर जवाब देते हैं, होने के बावजूद नहीं देते हैं और मांगने वालों को झिड़क देते हैं. इस तरीके से उनके साथ पेश मत आओ. कुरान ये कहता है कि नहीं है तो नरमी के साथ उज़्र पेश कर दो. ये पांचवा हुक्म था, पांचवा हुक्म है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है. इस आयत का शान नुज़ूल क्या हुआ, बैकग्राउंड की आयत कौन से वाक्य के पस मंजर में नाजिल हुई, एक शान नुज़ूल ये बताया गया है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और अपनी ज़रूरतों के मुतालिक सवाल करते थे. चूँकि हुजूर के पास सदकात वगैरह की रकम आया करती थी, चीज़ें आया करती थी, हुजूर उनको देते रहते थे, तकसीम किया करते थे. कुछ लोग थे जो हुजूर के पास मांगते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अगर इनको दिया जाएगा तो ये लोग उसके ज़रिए फसाद के काम करेंगे, फसाद मचाएंगे. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते नहीं थे, रोक लेते थे. ये रोकना और इनकार करना हुजूर का मसलिहत की वजह से था कि अगर उनको दिया जाएगा तो वो फसाद करेंगे,
तो उनको फसाद से मना करने के लिए, रोकने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने से इनकार फरमा देते थे। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमाई कि ऐसे लोगों को भी नरमी से समझाएं कि फ़िलहाल माल का देना आपके लिए भी मुनासिब नहीं है और मेरे लिए भी मुनासिब नहीं कि मैं आपको दूँ। फिर जब मुनासिब वक्त आएगा और हमारे पास सहूलत होगी तो इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। एक और शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि एक और वाक्या पेश आया। देखिए, ऐसा हो सकता है कि चार पांच वाक्य पेश आए हो और उसके मुतालिक एक आयत नाजिल हुई हो, तो हर वाक्य के शान नुज़ूल में उस आयत को पेश किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये आयत इस वाक्य के बाद नाजिल हुई, इस वाक्य के बारे में नाजिल हुई। तो एक और वाक्य पेश किया आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कपड़े आए तकसीम करने के वास्ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़े ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। इधर आप तकसीम से फारिग हो गए, सब ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ और ज़रूरतमंद आ गए और कहने लगे कि हुजूर हमें कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा अता फरमाइए। लेकिन इनके आने तक तो सब तकसीम हो चुका था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म महसूस हुई, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत ये थी कि किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं करते थे। अब हुजूर भी यहाँ लाजवाब हो गए, आप देना चाहते थे लेकिन फिर भी नहीं था, तो हुजूर कुछ जवाब दिए बगैर वहाँ से चले गए शर्म में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ तालीम दी कि ऐसे मौके पर आपका तो कोई कसूर है नहीं, जो कुछ था वो तो आपने तकसीम कर दिया, इसलिए ऐसे मौक़ों पर जो लोग आ जावे उनको आप कहिए कौलम मैसूरा, नरमी के साथ बात कह दीजिए, तसल्ली की बात कह दीजिए कि फिर कभी ऐसा कोई मौका आएगा, हमारे पास सहूलत हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम आपको बुलाकर दे देंगे। एक अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया। एक और बात ये भी लिखी है कि जैसे हज़रत बिलाल है, हज़रत खब्बाब है, यानी वो सहाबाए किराम जो सुफ़ा पर रहते थे, असहाब सुफ़ा जिनको कहते हैं, जो हिजरत करके मदीना तो आए थे लेकिन इनका खुद का घर बार कारोबार कुछ नहीं था। मुसलमान जो कुछ भी सरकार और जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे उनके ज़रिए उनका गुजरान चला करता था। तो हज़रत बिलाल है, हज़रत खब्बाब है, ऐसे सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगी लेकिन हुजूर के पास नहीं थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालीम दी कि इस तरीके से खामोशी से नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए, उनको कह देना चाहिए कि भाई फ़िलहाल हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, इंशाल्लाह आएगा तो आपको पहुंचा देंगे। तो एक बहुत बड़ा हुक्म हमारे सामने आ जाया कि हम चाहते हैं कि दें लेकिन फ़िलहाल देने को कुछ नहीं है, तो उस वक्त झिड़के नहीं। हम जो तरीका इख्तियार करते हैं, ला दूध मेरे को दे दें, अभी इतनी महंगाई है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं और आ गई इधर, या ऐसे कोई स्लोगन बोले कि बस्ती बसी नहीं कि लुटेरे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। कुरान इससे मना फरमाता है कि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह सूरह दुहा के अंदर वांग मसाइल फला तनहर, मांगने वालों को झिड़को मत, नहीं है तो नरमी से उनको रवाना कर लेकिन उनको झिड़कना नहीं। तो ये अदब आज से इंशाल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाली जो आयत है आयत नंबर 29, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुद मलूमन महसूरा। ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बयान फरमाया है। आयत का तर्जमा, न तो अपने हाथ गर्दन से बिल्कुल बांध लो और न उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मलामत का निशाना बने हुए खाली हाथ बैठे रह जाओ। अब खर्च करना है तो कितना करना है वो कुरान बता रहा है कि एक तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल हाथ गले से बांध दे कि फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देंगे, इतने वकील और कंजूस बन जाओ, ये भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हाथ बिल्कुल खोल दे कि जितना था सब कुछ दे दिया, इतना दे दिया कि खुद के वास्ते भी कुछ बचा नहीं। ये दोनों तरीकों को कुरान ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया कि ऐसा मत करो, क्योंकि आप बिल्कुल ही नहीं देंगे, वकील बन जाएंगे, कंजूस बन जाएंगे, तो लोग आपकी बुराई करेंगे कि बहुत मक्खी चूस आदमी है, फूटी कौड़ी भी किसी को देता नहीं। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि लोग आपकी बुराई करें, आपको कंजूसी के साथ याद करें। और आप बहुत देने लग जाएं और देते देते सब कुछ दे दें,
फिर खुद गरीब बन जावे, मुफलिस बन जावे, तो भी लोग आपकी बुराई करेंगे कि कैसा बेवकूफ आदमी है, अल्लाह ने कितनी दौलत इसको दी थी सब उसने लुटा दिया और खुद अब भीख मांगता हो गया, तो भी लोग आपकी बुराई करेंगे। इसलिए दोनों तरीके ने शरीयत हमें हर चीज में एतदाल सिखाती है, बीच का रास्ता, न बिल्कुल बखील बनना है न एकदम सखी बनना है। दोनों चीजें अगर आपने की, बखील बन गई तो भी लोगों की बुराई का सामना करना पड़ेगा, और सब कुछ लुटा दिया और खुद खाली हाथ होकर बैठ गए तो अभी लोगों की बुराई का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में रोक टोक का काम शुरू से चला आ रहा है और चलता रहेगा। वो कहानी हम बारहा सुनते हैं, बड़ी सबक हासिल करने वाली कहानी है गधे वाली, कि बाप और बेटे दोनों गधे के साथ जा रहे थे। अब एक गधा और दो आदमी तो दोनों को मुनासिब नहीं लगा कि दोनों गधे पर बैठ जाएं, इसलिए दोनों ने सोचा कि दोनों चलेंगे और गधे को भी साथ में चलाएंगे। एक बस्ती पर से गुजर हुआ तो लोग दोनों बाप बेटे को देखकर हंसने लगे कि देखो कैसे बेवकूफ है, सवारी के लिए गधा मौजूद है लेकिन दोनों चल रहे हैं। ये बात सुनी तब इन्होंने सोचा कि खरेखर बैठ जाना चाहिए। तब बाप बाप होता है, बेटे ने कहा अब्बा आप बैठ जाइए, मैं चलता हूँ लगाम पकड़ के। अब बाप बैठा है, बेटा चल रहा है। दूसरी बस्ती पर गुजर हुआ तो फिर वहाँ औरतें पानी भर रही थी कुएं पर से, उन्होंने देखा तो कहने लगी क्या जमाना आ गया कि बाप इतना हत्ता कत्ता मस्तंदा है और गधे पर बैठा है और बेचारा बेटा चल रहा है, जरा भी रहम नहीं है बाप के दिल में। बाप ने सोचा ये बात भी तो सही है, तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया। फिर ये गाड़ी चली आगे, एक और बस्ती पर गुजर हुआ, दो चंद बूढ़े वहाँ बैठे थे तो कहने लगे देखो क्या कलयुग आ गया, कैसा जमाना आ गया कि बाप तो चल रहा है पैदल और बेटा सवारी पर बैठा हुआ है, क्या जमाना आ गया। अब दोनों ने सोचा कि अब क्या करें, अब दोनों भी नहीं बैठ सकते, एक भी नहीं बैठ सकते। तो फिर दोनों ने क्या किया, गधे को लकड़े से बांधा और दोनों ने गधे को उठा के चलना शुरू कर दिया। ऐसा है, ऐसी पोजिशन ना हो, बीच वाला रास्ता, इतना भी खर्च मत कर दो कि तुम खुद मांगते और ढूंढते हो जाओ, और बिल्कुल भी हाथ ऐसे मत बांध लो कि फिर लोग तुमको कंजूस कहें। इस आयत का शान नुज़ूल, पस मंजर और बैकग्राउंड दो तीन वाक्य हैं इसमें भी। एक वाक्य तो ये बयान किया गया कि हुआ ये कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़का आया और कहा कि मेरी वालिदा ने आपकी खिदमत में भेजा है, और वालिदा ने ये कहा है कि आप अपना जुब्बा जो है वो बतौर हदीये के हमें दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त एक ही कुर्ता और जुब्बा था जो आपने पहना हुआ था, दूसरा नहीं था। हुजूर ने उस लड़के से फरमाया कि बेटा एक काम करो, अभी तो हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, फिर कभी आ जाना, जब इंतज़ाम होगा तो हम अपना जुब्बा आपको दे देंगे। वो लड़का चला गया, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आया और आकर कहने लगा कि मेरी अम्मी ने यूँ कहा है कि आपने जो पहना है वही दे दो। जैसे मैंने अभी बताया कि हुजूर की आदत क्या थी कि मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं करते थे, आपको शर्म आती थी वापस करने पर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो जुब्बा था वो निकाल कर उस बच्चे को दे दिया, वो बच्चा तो लेकर चला गया। अब हुजूर के पास जुब्बा नहीं है। अब इधर नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी। अजान के बाद सहाबाए किराम हुजूर के इंतज़ार में हैं, इमाम के इंतज़ार में कि हुजूर आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे। इससे भी उलमा साबित करते हैं कि इमाम का इंतज़ार करना चाहिए। दो पाँच सेकंड ऊपर चली गई तो क्या चलो कोई भी पढ़ा दे नमाज, ऐसा नहीं होता, इमाम का इंतज़ार करना चाहिए, इमाम इमाम होता है। दो तीन सहाबाए किराम जो बड़े दर्जे के थे वो हुजूर के घर तशरीफ ले गए तो देख रहे हैं कि हुजूर के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, सिर्फ नीचे एक चादर बंधी हुई है, ऊपर का जिस्म खुला है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर नमाज के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हुजूर ने कहा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि आप देने बैठ जाओ तो इतना भी मत दे दो कि खुद मोहताज होकर बैठे रहे, अपना इंतज़ाम पहले करो, अपना खुद का इंतज़ाम पहले करो, उसके बाद दूसरों की फिक्र करो, ये कुरान तालीम देता है। एक और वाक्या इसी आयत के ज़िम्न में नकल किया है, किस ज़िम्न में, एतदाल, दरमियानी चाल चलने के बारे में, कि एक सहाबी आए, एक साहब आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उनके पास अंडे के बकदर सोने का टुकड़ा था, सोने का,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने पेश किया कि हुजूर इसको ले लीजिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दीजिए। अब दे रहे हो और साथ में क्या कह रहे हैं कि ये मुझे खजाने से मिला था, दान में से ये सोना मुझे मिला है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तो दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने इधर से दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया, इधर पलट गए, लिया नहीं उसके पास। अब उनके जज्बात भी ये थे कि हमारा माल सब कुछ लगे। वो आदमी इधर से आया हुजूर के सामने, कहा कि हुजूर ये कान में से मुझे मिला है, सोने की कान जो है उसमें से मिला है और इतना ही मेरे पास है, आप इसको ले लीजिए, कबूल फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर से भी एराज फरमा लिया, इधर की तरफ घूम गए। वो आदमी तीसरी मर्तबा इधर आया और फिर यही बात कही कि हुजूर मेरे पास ये सोने का टुकड़ा है, आप ले लो और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए और उसके हाथ में से वो लिया और इतने ज़ोर से हुजूर ने उसको फेंका कि अगर उसको लग जाता तो आदमी जख्मी हो जाता। और फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम में से एक आदमी मेरे पास आकर कहता है कि मेरे पास इतना ही है, ये कबूल कर लो। अब अगर मैं वो ले लूँगा तो वो खुद खाली हाथ हो जाएगा और फिर वो लोगों से मांगता फिरेगा, ये शरीयत की तालीम नहीं। उस दिन नबी आयत नाजिल हुई ईमान वालों के लिए कि देखो इस तरीके से सब कुछ लूटा कर खाली हाथ भी मत हो जाओ, किसी पर बोझ मत बनो, अपने पास भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखो। यही वजह है कि हुजूर के ज़माने में हुजूर के घरों में एक पोजीशन और एक हालत तो ये थी कि दो दो तीन तीन महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन एक पोजीशन ये भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर का अनाज गल्ला अज़वाज मुतहरात को दे देते थे, साल भर का, ये भी हदीसों में। लेकिन फिर उसमें से भी क्या होता था कि अज़वाज मुतहरात उसमें से भी खर्च कर डालती थी, फिर वही भूखे रहने की नौबत आती थी। खैर, ये जो कुरान ने हमें हुक्म दिया है और ये जो बात बयान की है कि दरमियानी चाल चलो, अगर इस पर अमल करें तो आज के दौर में हमारे लिए बहुत राहत हो जाए, बहुत राहत, बहुत सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाए। हम देखा देखी की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम परेशान क्यों हैं देखा देखी भाई, उसके वहाँ शादी में 1000 की दावत थी तो हमारे यहाँ 1500 की होनी चाहिए। उसने 2 टाइम खाना खिलाया, हम 3 दिन तक खाना खिलाएंगे। वो बाकायदा नोट करते कि इसने बिरयानी खिलाई, हम बिरयानी के साथ ये भी खिलाएंगे। देखा देखी की ज़िंदगी, अब पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ के लोन ले लो, ये है तमाचा मारकर गाल लाल रखना, इसको कहते हैं कि रस्सी जल जावे और बल नहीं जावे, इसका नाम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल राहत और आराम के साथ गुजरेंगी। जो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर लंबे कर लें, मैं बारहा कहता हूँ, कल भी कहा था कि अक्सर जो हमारी परेशानियाँ हैं हम उसको सोचें तो उसमें से 90% परेशानियाँ हमारी खुद की पैदा की हुई मानव सर्जित आफतें, मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारा खुद का किया करा है। अगर हम मीडियम तरीके से चलने वाले बने कि भाई इतनी गुंजाइश है, ठीक है। सहाबा किराम की सादगी देखो, हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के करोड़पति सहाबी, उनका निकाह हुआ, हुजूर को दावत नहीं थी निकाह में, निकाह की मजलिस में। हुजूर को कैसे पता चला, उनके कंधे पर और उनकी चादर पर या कपड़े पर वो जाफरान का रंग देखा हुजूर ने, पूछा अब्दुलरहमान ये क्या, कहा कि हुजूर मेरी तो शादी हो गई। अब यहाँ हुजूर ने सवाल ये नहीं किया, मेरे को दावत नहीं थी तुम्हें, हैं बकील कंजूस, आज से हमारा ताल्लुक खत्म, मेरे जनाजे में भी मत आई, तुमने मुझे दावत नहीं दी, ऐसा नहीं। हुजूर ने कहा आप वो सुन्नत पर अमल करवाना था, हुजूर ने कहा वलीमा किया, कहा कि नहीं, क्या वलीमा कर दो, औलिम वलव बिशात, एक बकरी का बंदोबस्त हो तो उससे भी वलीमा कर दो। ये सहाबा किराम के साथ, सहाबा अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर देते थे, लेकिन यहाँ निकाह के बारे में हुजूर को पता नहीं था, देखा तो पूछा तो पता चला कि उनका निकाह हो गया। हम तो शर्मा शर्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, दावत नहीं दूंगा तो मौल साहब क्या कहेंगे, उनको मुंह कैसे दिखाऊं, ऐसा नहीं। इसलिए दरमियानी किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगे तो सब परेशानियां इंशाल्लाह हमारे, ये कुरान क्यों है, अच्छा ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कुरान कि ऐसा करो तो ठीक है नहीं तो तुम जैसा करो, ऐसा नहीं, कंपल्सरी आपको ये करना है। अगर दुनिया में आप राहत चाहते हैं तो यही करना है,
तो ही आपकी जिंदगी सही ढंग से गुजरेगी। इस आयत के जिम्मे में एक और वाक्य भी लिखा है कि मस्जिद नबवी में एक आदमी आया, बहुत मुखलिस और गरीब किस्म का आदमी था, फटे पुराने कपड़े थे। उनकी हालत देखकर हुजूर समझ गए कि इनको मदद की ज़रूरत है। शायद जुम्मा का दिन होगा, हुजूर खुतबे के लिए खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि आप खड़े हो जाओ, सुन्नतें पढ़ो ताकि लोग देख लें, इनको पोजिशन दे। ये जुमा में जो पूरे गांव की मस्जिदें बंद करके एक मस्जिद में जमा करते ना, उसकी हिकमतें बहुत सारी। उसमें से एक ये भी है कि वैसे सबको सबके हालात का पता नहीं चलता, लेकिन सब जमा होते हैं और ऐसी बात आती है तो सबको पता चल जाता है। उसने इनको खड़ा किया, सहाबा किराम ने देखा, सहाबा किराम समझ गए कि इनको मदद की ज़रूरत है, कपड़ों की भी ज़रूरत है, अनाज की भी ज़रूरत है। सहाबा किराम ने कपड़े वगैरह निकाल कर एक ढेर लगा दिया। सहाबा तो इशारे समझने वाले थे, अमीर की मंशा को समझने वाले थे, ढेर लगा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दो कपड़े इनको दे दिए, लो बाकी का रख लिया कि बाद में तकसीम कर लेंगे। फिर खुतबे में हुजूर ने और सदके का कहा, क्योंकि अनाज वगैरह की भी ज़रूरत होगी इनको। हुजूर ने सहाबा किराम को तरगीब दी कि और सदका खर्च, और सदका निकालो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सहाबा किराम खर्च कर रहे थे तो ये उठे, जिनको अभी हुजूर ने दो कपड़े दिए थे, और दो में से एक कपड़ा वापस सदके में रख दिया, मेरी तरफ से एक कपड़ा सदका, हालांकि अभी इनको खुद उसमें से मिला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मना फरमाया। कहते हैं कि ये आयत उनके बारे में नाजिल हुई। मुमकिन है कि तमाम वाक्यात के बारे में एक आयत नाजिल हुई, ये कुरान की खूबी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो चार वाक्यात पेश आए और एक आयत नाजिल हुई, तो खुलासा ही कलाम ये है, बात का खुलासा ये है कि इतना बखील भी नहीं कि बिल्कुल चाय में मक्खी गिर जाए वो भी उसको बराबर निचोड़ के निकाले, ऐसी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं, और बिल्कुल दे 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 के अपने घर वालों का भी ख्याल न रखे ये भी नहीं। हाँ, अगर आपका ईमान बन गया, आपके घर वालों का ईमान बन गया है, जैसा कल मैंने कहा था, और एकदम अल्लाह के पास जो है उस पर आपको ज़्यादा यकीन है, और दे देने के बाद आपको कोई अफसोस होने वाला नहीं है, तो आप सब दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हुजूर के पास भी तो होता था, लेकिन हुजूर इतना दे देते थे कि खुद पेट पर पत्थर बांधना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हुजूर को बाद में अफसोस नहीं होता था कि यार मेरी भूल हो गई, नहीं देने के थी। सहाबा किराम में से सिद्दीक अकबर के बारे में भी हम जानते हैं कि अपने घर में क्या छुरा, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छुरा। उनको हुजूर ने मना नहीं फरमाया क्योंकि उनका ईमान बन चुका था। हिजरत के मौके पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के वालिद साहब अबू कुहाफा, ये तो जिंदा थे, उन्होंने उनको पता चला, उनकी बिनाई चली गई थी, दिखता नहीं था, उनको पता चला कि अबू बकर गए मोहम्मद के साथ। तो अबू बकर के वालिद साहब ने अबू बकर की लड़कियों से, अपनी पोतियों से पूछा कि अबू बकर चले तो गए, तुम्हारे वास्ते कहीं छोड़ गए कि यूँ चले गए? तो लड़कियाँ भी बहुत होशियार थी, ईमान उनका बना हुआ था, कहा कि नहीं छोड़ गए हैं, क्या छोड़ा था? पहले ज़माने में वो हमारी तरह वो कबाट और ताले में चाबियाँ वो नहीं रखते थे, घर के कोने में जो कुछ होता था रख देते थे, ढेर लगा देते थे। तो उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लाकर रख दिए और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था। तो वो दादा को ले गए, उनको तो दिखता नहीं था, वो कपड़े के ऊपर से हाथ फिराया, करी को ये सब छोड़ के गए हैं अब्बा, तुम टेंशन मत लेना, उनको तसल्ली। झूठ भी नहीं है, वो पत्थर पर रखे ही हुए थे नीचे। तो हुजूर ने अबू बकर को मना नहीं फरमाया कि तुमने क्यों घर पे कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका ईमान बन गया। अज़वाज मुतहरात का भी यही हाल था कि साल भर का जो अनाज उनको दिया जाता था उसमें से भी खर्च कर देते थे, क्योंकि बाद में भूखे रहने से उनको कोई अफसोस होता नहीं था और उनको अल्लाह पर बहुत यकीन होता था। जिनका ईमान इस कदर बन गया हो उनके लिए इजाज़त है कि जितना है सब कुछ दे देवे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसों के बारे में तो पहले हिसाब करके देना ही मुनासिब। ये दो आयत है, और तीसरी आयत है इन रब्बक रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, के यकीनन आपका रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे रोजी तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, यकीनन अल्लाह अपने बंदों के अहवाल से बाखबर है और देखने वाला है। अल्लाह को जिसके लिए जितनी रोजी मुनासिब लगी अल्लाह ने तकसीम कर दी, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। खुलासा है कि देता तो अल्लाह ही है और जिसको चाहे बेशुमार देता है। मुफ्ती तकी साहब ने अपनी किताब में एक वाक्या लिखा है
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाई थी, जैसा कि कल तरावी में 23वें बारे में हमने वो आयत भी सुनी कि अल्लाह रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, मुझे ऐसी बादशाहत दे कि मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई, जिन्नातों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, परिंदों पर, हवा पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ऐसी बादशाहत नसीब हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि अल्लाह मुझे आप इजाज़त दीजिए ये पूरी दुनिया को जितनी मखलूक है सबको एक साल तक मैं दावत खिलाना चाहता हूँ, पूरी मखलूक को साल भर दावत खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुलेमान ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है एक साल नहीं एक महीने की इजाज़त दे तो एक महीने तक मेरे घर दावत सकी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं, चाहे इतनी बड़ी बादशाहत है लेकिन ये सब तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया कि बारी ताला एक महीना नहीं एक दिन का मौका दे दीजिए, कम से कम एक दिन मैं दावत करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है लेकिन तुम जिद कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो चलो तुमको मौका देते हैं, खिलाओ एक दिन। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को, इंसानों को, जितने भी अपने ताबे थे सबको हुक्म दिया, जाओ अनाज गल्ला जो भी मिले सब जमा करो, तरकारी सब, और समंदर के किनारे पर जगह अच्छी थी, कहा कि यहाँ खाना पकेगा। एक महीने तक खाना पकाया गया, कितना खाना पका होगा, एक महीने तक पकाया गया लगातार। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मुनासिब चलती रहे ताकि वो खाना बिगड़े नहीं, खाने में बिगाड़ ना, हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। एक महीने के बाद खाना तैयार हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी मखलूक को भेज दो खाना तैयार। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है अपने समंदर करीब है वहाँ से शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला ने समंदर में से एक मछली को भेजा, एक मछली अभी तक वो तो आई, कहा कि सुलेमान आज तो तुम्हारी तरफ से मेहमानी है, कार्ड मिला मेहमान का, हाँ के है चालू करो। बस उसने उधर के कोने से खाना शुरू किया तो उधर के कोने तक का खा गए। एक महीने में मेहनत करके जितना पकाया था अकेली मछली खा गए। अच्छा वो खा जाने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगी कि लाओ ना, कहा है खाना लाओ, अभी तो मेरी भूख बाकी है, मैं भूखी हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तूने बचाया भी क्या है, तो और मांग रही हूँ, सारा तो तू खा गई, एक महीने से हम तो पका रहे थे सब तू खा गए। मछली कहने लगी कि ऐसी मेहमानी की जाती है, मेहमान को भूखा छोड़ा जाता है। फिर मछली ने कहा कि जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया तब से आज तक अभी जितना मैंने खाया उससे डबल अल्लाह रोज खिलाता है, जितना अभी खाया उससे डबल अल्लाह रोज खिलाता है, तो रोजी अल्लाह जिसको चाहे उतनी देता है, ये उसकी हिकमतें हैं। उसने हर एक को एक लेवल का नहीं बनाया, ये भी बहुत बड़ी मसलहत। सब मालदार होते तो चप्पल कौन बेचता, काय को चप्पल बेचने के लिए सब मालदार होते, कपड़े आप कहाँ से खरीदते, कौन कपड़े की मगजमारी करता, बर्तन और वासर कौन बेचता, सभी मालदार है, कौन मेहनत करता है, कौन बाजार में दुकान खोलता। इसलिए अल्लाह ताला ने ऊंच नीच रखी और एक दूसरे की जरूरत एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने वाबस्ता कर दी कि मालदार है वो गरीब का मोहताज, गरीब को अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दी, मालदार को दिमागी सलाहियत दी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत है। और अजीब बात कि जो जिस कारोबार और धंधे में लगा है उसके साथ अल्लाह ताला ने दिलचस्पी दे दी है, शौक। चप्पल का व्यापारी रोज शौक से चप्पल बेचने के लिए निकलता है, कोई नहीं सोचता कि ये चप्पल क्या बेचने के, सोनी बनने का था सोना बेच, नहीं वो शौक से चप्पल बेचने जाता है। मजदूर मजदूरी के लिए रोजाना सुबह शौक से निकलता है, अल्लाह ने हर एक को उसके मुनासिब शौक भी दिया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी कुदरत, बहुत बड़ी हिकमत। इस तरीके से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रोजी का मालिक तो अल्लाह है, वो जिसको चाहता है ज़्यादा देता है और जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, अपने बंदों के अहवाल को, अंदरूनी यानी बातिनी हालात को भी अल्लाह जानता भी है देखता भी है, और जाहिरी अहवाल को भी अल्लाह जानता है और देखता है, और उसी को सामने रखकर उसने बंदों की रोजी तकसीम की है कि किसके लिए कितनी मुनासिब है। तो ये बहरहाल तीन आयतें आज हमारे सामने आई।
उसमें पहले आयत में सबक था कि हक वालों को देना है और आप भी चाहते हैं कि देंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, आने वाला है, आप खुद उसके इंतजार में हैं, तो उस वक्त आप उनको झिड़केंगे नहीं, बुरा भला नहीं कहेंगे, नरमी से समझाएंगे कि जब आएगा हम आपको दे देंगे। दूसरी बात कि जब देना ही है तो बिल्कुल कंजूसी भी ना हो और एकदम बिल्कुल हाथ खोल भी ना दे कि फिर खुद मोहताज और ज़रूरतमंद होकर लोगों से मांगता फिरे, यानी एतदाल वाली ज़िंदगी, दरमियानी चाल वाली ज़िंदगी गुजारने का कुरान हमें हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की बतलाई हुई ज़िंदगी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।